देवी कटरा ट्रेन रूट बदला गया है। मनकापुर अयोध्या बाराबंकी से जाएगी। कई सारी ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। ट्रेन हादसे के बाद में कई ट्रेनें हैं जो कि डाइवर्ट की गई हैं। कटिहार अमृतसर ट्रेन का रूट बदला गया है। इसके अलावा मनकापुर अयोध्या से होकर अब जाएगी। और साथ ही गोंडा ट्रेन हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 7 लोगों के घायल होने की जानकारी है। और डिप्टी सीएम हमारे साथ में जुड़ गए हैं, ब्रजेश पाठक जी। सर बहुत स्वागत है आपका, और बेहद दुखद खबर मिल रही है। ट्रेन हादसा हो गया है, एक शख्स की मौत हो गई है और साथ ही कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। बहुत ही दुखद समाचार है। गोंडा में ट्रेन दुर्घटना हुई है, उसमें 2 लोग तो की मृत्यु होने की सूचना मिली है, 2 लोग गंभीर घायल हैं और 26 जो घायल हैं जिनके चोटें कम हैं उनको मनकापुर सीएचसी में रखा गया है, और 3 हमारे जो घायल हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने भेजा है, वहां उनका उपचार चल रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी घायलों को तत्काल हम उच्च कोटि की चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराएं, और जो परिजन है यात्रियों के उन तक हम उनकी सूचनाएं भेजें। तो जो मोबाइल नंबर या हमें संपर्क सूत्र मिल गए हैं उनको लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं। एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है जिससे परिजन सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि सभी घायलों को तत्काल हम उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। सर कई लोग ट्रेन के अंदर फंसे हुए थे, वो तो हम देख पा रहे हैं, निकाल लिया गया है। आपने जो घायलों का आंकड़ा बताया है, क्या उतने ही लोग घायल हैं या फिर कुछ लोग अंदर भी अभी फंसे हुए हैं? को हम लोग देख रहे हैं जो दुर्घटनाग्रस्त भोगी हैं उसमें हमारी टीम लगी हुई है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और ढेर सारी एम्बुलेंसेज हमने वहाँ डिप्लाई की हुई है। जैसे ही कोई मरीज हमें मिलता है तत्काल हम पास के सीएससी मनकापुर ले जा रहे हैं। मनकापुर वहाँ से बहुत पास में है। जो गंभीर घायल 3 मरीज थे उनको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए हैं। कुल 26 मरीज अभी मनकापुर सीएससी पे हैं। 2 मृतक हैं, उनके परिजनों को सूचनाएं भेजी जा रही हैं। 2 जो घायल हैं बहुत सीरियस हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रह। सर रेलवे के अधिकारी भी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। अभी शुरुआती जांच में क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि किस वजह से ये रेल हादसा हुआ? अभी हमारा पूरा ध्यान घायलों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की ओर है, और इसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। तो फंसा हुआ न हो, तो राज्य सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मौके पर इस वक्त तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। और जो डिप्टी सीएम है यूपी के वो हमारे साथ में जुड़े हुए थे, साथ ही असम सरकार से भी संपर्क में है यूपी सरकार, क्योंकि ये ट्रेन चंडीगढ़ से शुरू हुई थी जो कि यूपी के रास्ते होते हुए असम जा रही थी। और राजीव भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजीव बताइए मौके से क्या अपडेट मिल पा रही है, और तमाम जो टीमें हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त मौके पर? देखिए गोंडा में हुए रेल हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। इस वक्त वहां पर जो डॉक्टरों की टीम है वो पहुंच चुकी है, पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है, और जो यात्री घायल हैं उनको तत्काल पास के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भर्ती कराया गया है, और जिनकी स्थिति गंभीर है उनको जिला अस्पताल ले जाया गया है। इसके साथ ही साथ अन्य अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन की पहली कोशिश ये है कि जो घायल उनको तत्काल समुचित इलाज दिलाया जाए, और उसके बाद जो क्योंकि 4 डिब्बे पलटे हैं उसमें कई यात्री फंसे हैं, तो ऐसे में सबसे पहले सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, जिसके चलते इस वक्त मौके पर ही करीब 15 से 20 एम्बुलेंस मौजूद हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि हर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल राहत दी जाए। इसके साथ ही साथ जो एनडीआरएफ की टीम है, जो एसडीआरएफ की टीम है, उसको भी मौके पर रवाना किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो शासन उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारी हैं वो सीधे
पूरे हादसे को मॉनिटर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहत बचाव कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर के अंदर जो वहां पर लोग घायल हैं उनको समुचित इलाज उनका शुरू करा दिया जाएगा और जो मैक्सिमम लोग हैं जो गंभीर लोग हैं वो अस्पताल पहुंच चुके हैं, वहां उनका इलाज भी शुरू हो चुका है। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें 2 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो कोशिश यही है कि जिसको जिस हिसाब से चोट लगी है जो जितना गंभीर है उसको उसी हिसाब से उस अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया है कि आसपास के जो जिला प्रशासन की टीम हो, पुलिस प्रशासन की टीम हो, वो उसको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस दौरान जो रेलवे की जो एक चिकित्सीय यान होता है वो भी मौके पर पहुंच चुका है। तो चाहे वो रेल प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या फिर जो राज्य सरकार का अन्य राहत बचाव दस्ता है वो मौके पर पहुंच चुका है और युद्ध स्तर पर लोगों को वहां पर निकाला जा रहा है, उनको सुरक्षित वाहनों से उनको उनके अगले गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान क्योंकि यह हादसा हुआ है जिसके चलते इस रूट पर 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है, 11 ट्रेनों के जो रूट है उनको डाइवर्ट किया गया है ताकि जो इस रेल हादसे के चलते अन्य यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये ट्रेन चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है तो पंजाब से लेकर आसाम तक के इसमें यात्री सफर करते हैं तो उनसे जुड़ी जानकारी के लिए, उनके परिजनों को जानकारी देने के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जिस पर संपर्क करके उनके परिजन उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनकी क्या स्थिति है इसकी भी विधिवत जानकारी दी जा रही है। जो 2 लोगों की मौत हुई है वो कहां के रहने वाले थे, यूपी के थे, असम के थे या फिर पंजाब के थे? और इसके अलावा प्रशासन की तरफ से घायलों का कोई आंकड़ा जारी किया गया है कि कुल कितने लोग घायल हुए हैं और क्या उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी हालत नाजुक है? अब देखिए यकीनन क्योंकि 4 डिब्बे हैं वो पटरी से उतरे हैं तो ऐसे में जो घायलों की संख्या है वो करीब 25 से 30 के बीच बताई जा रही है, लेकिन उनमें से जो गंभीर घायल हैं वो बेहद कम हैं, उनको इस वक्त तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर उनकी संख्या 4 से 5 ही बताई जा रही है, उनका जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। लेकिन जिनको हल्की फुल्की चोटें लगी हैं उनको आसपास के सीएससी में एडमिट कराया गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, मुख्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया है। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है जो वहां पर मौजूद लोगों को फर्स्ट एड भी देते हुए नजर आ रही है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों को जो जिसको जिस हिसाब से इलाज की जरूरत है उस हिसाब के अस्पताल में पहुंचाया जाए, उनका तत्काल उचित इलाज कराया जाए और जो लोग वहां पर फंसे हैं, जो परेशान हैं, उनको भी सुरक्षित वाहनों से उनके अगले गंतव्य तक पहुंचाया जाए क्योंकि पूरा ये एक बड़ा हादसा है। तो ऐसे में वहां पर भारी संख्या में जो अन्य संसाधन है उनको भी भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम आसपास के जिलों से, चाहे वो बलरामपुर हो या फिर महाराजगंज हो, गोरखपुर हो, वहां से भी रवाना की गई है। कुछ ही मिनटों बाद ये टीम भी मौके पर पहुंच जाएगी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द एक ओर जहां घायलों को समुचित इलाज दिलाया जाएगा वहीं दूसरी ओर इस रूट को भी सामान्य कर यातायात को बहाल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पहली प्राथमिकता सरकार की यह है कि जिन लोगों को चोट लगी है, जो घायल हुए हैं, उनको इलाज मुहैया कराया जाए। तो इसके लिए मौके पर कई एम्बुलेंस मौजूद है ताकि किसी को लाने ले जाने में असुविधा ना हो और तमाम जो डॉक्टरों की टीम है वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद रहकर फिलहाल फर्स्ट एड दे रही है और जिनको इलाज की ज्यादा जरूरत है उन्हें अस्पतालों में भेजा जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि ये एक बड़ी ट्रेन है और चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ तक जाती है तो ऐसे में इस हादसे की सूचना के बाद उनके परिजन भी परेशान है जिनकी सहूलियत के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिस पर संपर्क करने पर उनसे जुड़े जो पैसेंजर्स हैं उनके परिजनों को विधिवत जानकारी दी जा रही है वो किस स्थिति में है, उनसे उनकी बात कराई जा रही है। कोशिश यह की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी को राहत पहुंचाई जाए। इस पूरे अभियान में न सिर्फ स्थानीय जिला पुलिस प्रशासन बल्कि रेलवे और राज्य सरकार भी लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रही है। राजीव, तो क्या असम सरकार और बचाव का कार्य है, सरकार से भी संपर्क किया है राज्य सरकार ने और क्या असम सरकार की तरफ से भी कुछ मदद पहुंचाई जा रही है? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश दे दिए हैं, यूपी के पुलिसकर्मी हो, अधिकारी हो या फिर रेल अधिकारी हो, मौके पर इस वक्त मौजूद है। क्या असम सरकार की तरफ से भी कोई मदद?
देखिए, क्योंकि ये हादसा यूपी में हुआ है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ है, तो फिलहाल जो राहत बचाव का कार्य है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं उसमें पंजाब से लेकर आसाम तक के पैसेंजर सफर करते हैं और कई टूरिस्ट भी होते हैं, तो उनसे जुड़ी जानकारी जो है उसको देने के लिए आसाम से लेकर चंडीगढ़ तक के कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सभी जो मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो मेन सेंटर्स है, वहां पर भी हर पैसेंजर के बारे में जानकारी दी जाए कि उसकी क्या स्थिति है, वो किस हाल में है, और उनके परिजनों से भी तत्काल बात कराई जा रही है ताकि उनके परिजन घबराए ना। लेकिन जो लोग घायल हैं उनकी तत्काल इलाज मुहैया कराया जाए, ये पहली सरकार की प्राथमिकता है, और इसी के चलते सभी घायलों को फिलहाल जो है अस्पतालों तक पहुंचा दिया गया है। वहां पर उनका इलाज बेहतर से बेहतर कराया जा रहा है और दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर जरूरत तो उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर तक भी रेफर किया जाएगा। राज्य सरकार की कोशिश यह है कि जो भी घायल हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा और जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर फिलहाल संख्या की बात करें तो अब तक सिर्फ दो लोगों की मौत की सूचना मिली है, दो लोगों की मौत हुई है, और जो गंभीर रूप से घायल है उनकी संख्या भी 3 से 4 है। कुल घायलों की बात करें तो ये संख्या करीब 25 से 30 बताई जा रही है। तो कुल मिला के स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है और राहत बचाव कार्य भी बेहद तेजी से चलाया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह की अब कोई असुविधा ना हो, और यही कारण है कि सारा का सारा जो प्रशासनिक अमला है, पुलिस प्रशासन है, डॉक्टरों की टीम है, रेलवे की टीम है, वो इस वक्त मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य करते हुए नजर आ रही है। और साथ ही साथ किस तरह से ये राहत बचाव कार्य अभियान चल रहा है इसकी भी खुद मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह और मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छी निगरानी में राहत बचाव कार्य चल रहा है और कोशिश यह की जा रही है कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनको उचित इलाज दिया जाए और उनके परिजनों को सही सही जानकारी दी जाए। हालांकि ये बहुत शुरुआती वक्त है और राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पहली प्राथमिकता है कि सभी को सुरक्षित बचा लिया जाए, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे, क्या शुरुआती दौर में इसका कोई कारण निकलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये लापरवाही थी या फिर ये हादसा है? अब देखिए, ये एक हादसा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिले जो हैं बाढ़ प्रभावित हैं, ऐसे में पहले से ही जो लोको पायलट थे इस ट्रेन के उनको ये एक हिदायत दी गई थी कि आप कम स्पीड में चलिएगा, और यही कारण था कि जो ट्रेन की स्पीड थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, जिसके चलते नुकसान कम हुआ है क्योंकि 4 ही डिब्बे पलटे हैं। लेकिन और खास बात ये थी कि जो इस ट्रेन में जो डिब्बे लगाए गए थे वो भी एक विशेष अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे, जिसके चलते ये डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़े नहीं, पलट गए। अगर ये चढ़ते तो हादसा और बड़ा होता, मौतें और हो सकती थी। तो इन्हें डिजाइन किया गया था कि भविष्य में अगर कोई अप्रिय घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो ऐसे डिब्बे लगाए जाने से कम असर होगा, जिसका एक फिलहाल इसमें लाभ मिलते दिखा है कि जो हादसा हुआ है, जितना बड़ा हादसा है उसके हिसाब से फिलहाल कैजुअल्टी बेहद कम नजर आ रही है। लेकिन कोशिश यही है कि जितना भी नुकसान हुआ, जिन लोगों को चोट लगी है उनको फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता उनका इलाज कराना है, बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है, और जिसको जितनी चोट लगी है जिस हिसाब से उसको उतने अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, अन्य जो आसपास के हॉस्पिटल्स हैं, वो चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, मुख्य चिकित्सा केंद्र हो, उनमें भी डॉक्टरों को अलर्ट रखा गया है कि जरूरत पड़ी किसी के इलाज की तो वहां पर भी लोगों को एडमिट कराया जाएगा। तो चाहे वो डॉक्टरों की टीम हो, वो इस वक्त अलर्ट है और वो मौके पर मौजूद रहकर एक बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्य करते हुए नजर आ रही है। दूसरी ओर 11 ट्रेनें डायवर्ट कर दी गई हैं और साथ ही 2 ट्रेनें कैंसिल होने की भी जानकारी मिल रही है, तो ये कौन सी ट्रेनें हैं, क्या इसका डेटा या इसकी लिस्ट भी जारी की है रेल अधिकारियों की तरफ से? देखिए, जो ये बाराबंकी गोरखपुर रेलखंड है इस पर चलने वाली ही ये ट्रेनें हैं, जो इस ट्रेन के बाद इनको इस रूट पर आना था, उनमें से 2 ट्रेनें जो फिलहाल बैक टू बैक जिनकी टाइमिंग थी उनको रद्द किया गया है और अन्य ट्रेनों का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। सरकार ये चाहती है, रेल विभाग ये चाहता है कि इस हादसे के चलते अन्य यात्रियों पर असर ना हो, वो समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच सके, अपने घरों तक पहुंच सके, इसके लिए 11 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है कुछ ही देरों में। राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो इसी हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है,
और गोंडा ट्रेन हादसा बेहद दुखद है, प्रभु श्रीराम से घायलों के ठीक होने की कामना, राहत बचाव कार्य के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो एक्स पर पोस्ट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जहां उन्होंने लिखा है कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द ठीक हो, ऐसी प्रभु श्रीराम से कामना की है और साथ ही राहत बचाव कार्य के निर्देश भी तमाम अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं। और साथ ही सीधे संपर्क में भी है मुख्यमंत्री अधिकारियों के, और साथ ही इससे पहले भी उन्होंने तत्काल अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए थे। इस वक्त राहत बचाव कार्य पहुंच चुका है और साथ ही सभी को बाहर निकाल लिया गया है। दो लोगों की मौत की खबर मिल रही है, इसके अलावा 7 लोग हैं जो कि घायल हैं, उनको भी उचित उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये हादसे के ठीक बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ लोग घायल हो गए थे और उन सभी को अस्पताल में पहुंचाया गया है। जिस व्यक्ति की हालत जितनी ज्यादा नाजुक है उसको उतने अच्छे अस्पताल में पहुंचाया गया है। और राज्य सरकार का कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाए, उसके बाद में जांच की जाएगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। लेकिन अभी यूपी के कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि बाढ़ग्रस्त हैं और रास्ते कई जगह पर खराब भी हैं, और ये हादसा जब हुआ उसके बाद में भी देखा गया कि कई जगह से जो पटरी थी वो टूटी हुई थी, तो कुल 6 बोगियां थी जो कि पटरी से नीचे उतरी थी। और एक एक करके हम आपको ये तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं, नंबर आप देख सकते हैं नंबर के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर कौन सी बोगी नीचे उतरी। और हालांकि 2 बोगियां जो कि एसी कोच थे उनमें सबसे ज़्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। तो तस्वीरें आप देखिए, मौके से ये तस्वीरें ठीक बात की आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके सभी घायलों के ठीक होने की कामना की है, और जो इसका असर है वो अब बाकी ट्रेनों पर भी देखा जा रहा है। 11 ट्रेनें जो कि जिनके रूट बदल दिए गए हैं, और साथ ही 2 ट्रेनें जिन्हें कैंसिल किया गया है। तो आज दोपहर ये रेल हादसा हुआ था जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ, गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही थी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, जिसके 6 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी, 2 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। साथ ही 7 से ज्यादा लोग हैं जो कि घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज बॉर्डर पर हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 3 तस्वीरें आप देखिए, गोंडा में रेल हादसा जब हुआ ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, जब आप देखिए ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक 6 डिब्बे जो अपनी पटरी से नीचे उतर गए। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, जब सभी घायलों को बाहर निकाला जा रहा था और कई लोग ट्रेन के अंदर फंसे हुए थे। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उन घायलों की और जिस व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि शुरुआत में जो मौत का आंकड़ा था वो एक ही था, उसके बाद में एक व्यक्ति की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही थी, और अब जो ताज़ा अपडेट मिल रहा है उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोग घायल हैं। इनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको माइनर चोटें आई हैं, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इस हादसे को लेकर रिएक्शन भी अब सामने आने लगे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक और महाप्रबंधक कुछ ही समय में साइट पर पहुंच जाएंगे। राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है साइट से एज ऑफ नाउ की अगर बात करें तो 1 डेड रिपोर्ट हुआ है और 7 इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 6 लोगों को माइनर इंजरीज हैं, 1 को थोड़ी सी ग्रीवियस इंजरी है। तो राहत बचाव का कार्य जारी है, हमारी पहली प्राथमिकता है, और इसकी वजह से कुछ ट्रेनों का डाइवर्सन भी हुआ है, उसका डिटेल हम लोगों ने जारी किया है। डाउन लाइन अभी इस एक्सीडेंट की वजह से बाधित है। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है 4 से 5 कोच डरेल हुए हैं, और हमारी अभी हमारा पहला फोकस जो है वो है कि हम लोग जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करें और ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकें। यहाँ ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में, गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ,
एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियां खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसका मालूम नहीं है, लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी जी, ऐसा सुनने में आया। थैंक यू। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं रेल हादसे की। यूपी के गोंडा में आज दोपहर रेल हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की अभी तक मौत हो गई है, 7 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं, और साथ ही 6 से 7 लोग ऐसे हैं जिनको माइनर चोटें आई हैं। मौके पर इस वक्त एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। सरकार का कहना है कि पहली प्राथमिकता है सभी को सुरक्षित बचाया जाए।